सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज. आज की जो स्टेटमेंट्स है वो मैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट शेयर करने वाली हूँ. आज मैं सिर्फ 5 स्टेटमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट उनका जो है मैं आपको डीपली मीनिंग, आपको कुछ राइटिंग टास्क 2 के जो टिप्स है वो शेयर करूंगी. और साथ ही में गाइज आप एंड तक बने रहिएगा, एंड में आपको एक बहुत ही कमाल का अपडेट देखने को मिलेगा. और साथ ही में आपका जो बैंड इम्प्रूवमेंट का टिप है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी. तो यहाँ पे फर्स्टली अपन लोग स्टार्ट करते हैं 50 नंबर स्टेटमेंट से. देखिए गाइस यहाँ पे फर्स्ट 250 तक है, बट यहाँ पे मैं चुन चुन के जो भी स्टेटमेंट को मैंने नोट आउट किया वो आप लोगों को दिखा रही हूँ. ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियरली विजिबल होगा. तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. सॉरी, मैनी म्यूजियम अक्रॉस द वर्ल्ड चार्ज एन एंट्री फी फ्रॉम ऑल विजिटर्स. सम पीपल आर्ग्यू दैट एंट्री टू द म्यूजियम शुड बी फ्री. हाउ फार डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट, है ना. तो यहाँ पे देखिएगा, जब मैंने पिछले 4-5 वीडियोज आप लोग के साथ प्रोवाइड की तो 5-7 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने बार बार कमेंट किया कि आपने स्टेटमेंट दिखा दी, इसका मुझे सैंपल आंसर भी चाहिए. तो यहाँ पे देखिए गाइस उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है. आंसर क्वेश्चन आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, बट इसका आंसर जो है वो आपको क्लियर आंसर कहीं नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे मैं आप लोग को जरूर बताना चाहूंगी इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इंट्रो की बात करें, इंट्रो BP1 BP2 और कंक्लूजन, बस 4 स्टेप है इसके. और इंट्रो कैसे लिखना है, म्यूजियम्स आर प्लेसेस वेयर वी कैन फाइंड एंटीक एंड हिस्टोरिकल आर्टिकल्स टू सी डिस्कवर एंड लर्न फ्रॉम. दिस प्लेस हैज इमेंस इम्पोर्टेंस, या फिर हैज अ ग्रेट इम्पोर्टेंस, है ना. इमेंस को आप यूं भी बोल सकते हो, ये बहुत ही अच्छा वर्ड आप नोट कर सकते हैं अभी इसी टाइम. इम्पोर्टेंस एंड हैंस टू मेंटेन इट देयर शुड बी सम एंट्री चार्जेस. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि जो म्यूजियम्स है वो ऐसी जगह है जिसमें हम पुरानी चीजों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि काफी अच्छा इम्पोर्टेंस रखता है, इसे मेंटेन भी करना उतना ही. तो मेंटेन करने के लिए क्या है कि एंट्री चार्जेस जो है वो जरूरी होते हैं. तो यहाँ पे देखिए पीपल हु फेवर फ्री एंट्री टू म्यूजियम पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स. तो यहाँ पे उनके बारे में बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि फ्री होनी चाहिए एंट्री. ठीक है, दे सी दैट म्यूजियम्स होल्ड आर हिस्ट्री, सो एवरीवन शुड हैव द राइट टू सी दोज आर्टिकल्स विदाउट पेइंग. वो बोल रहे कि म्यूजियम्स जो है हमारे इतिहास को बताते, तो हर एक बंदे को अपना इतिहास देखने के लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं है. दिस आर्ग्यूमेंट लुक्स कन्विंसिंग, हाउएवर फ्री एंट्री टू म्यूजियम विल सर्टनली अट्रैक्ट वैगाबोंड्स हु लैक ऑल सीरियसनेस एंड मे इवन डैमेज दिस द आर्टिकल्स. एंट्री फी इज अ डिटरेंट फॉर एनीवन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन द आर्टिफैक्ट्स बट कम्स इन फॉर द मिसबिहेव मोटिव्स. अब देखिए गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात की, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं. देखिए एक तो अगर हम किसी चीज की फीस रख देते हैं और किसी को इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, वो भी इंटरेस्ट दिखाने लगेगा कि अच्छा ऐसा क्या है इसमें, तो फिर वो क्या है कि वो जाएगा देखने के लिए. तो यहाँ पे क्या सीरियसनेस होगी जिसमें वो जाएगा. तो दूसरी पॉइंट क्या है कि अगर फ्री हो जाएगी तो हर कोई जो बंदा है वो आएगा म्यूजियम में. जिसका इंटरेस्ट होगा नहीं होगा वो क्या करेगा कि किसी भी चीज को मिसबिहेव करेगा, किसी भी चीज को स्पॉइल करके जा सकता. तो एंट्री फीस क्या है वो उसमें वहां पे जरूरी है. सेकेंडली दे ऑल्सो असर्ट दैट हिस्टोरिकल आर्टिकल्स आर पब्लिक property and thus they should be freely accessible to all the people, but they forget that making something freely available actually reduces its importance in the minds of people. देखिए दूसरा कारण यह है कि क्यों नहीं होनी चाहिए फ्री, वो बोल रहे कि ये पब्लिक होनी चाहिए तो इसे फ्री करना चाहिए. बट ये बात ध्यान में रखनी है किसी चीज को हम फ्री कर देते तो उसका जो इम्पोर्टेंस है हम लोगों के माइंड में कम होने लग जाता. ठीक है, दे टेक it for granted and do not pay adequate respect to the hours spent in collecting and exhibiting आर्टिकल्स. अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या लिखा है कि वे क्या करेंगे, वो बहुत ही लूजली लेने लग जाएंगे और वो उसकी कीमत नहीं जान पाएंगे कि जो आर्टिकल्स है उन्हें ढूंढने के लिए, उन्हें स्टोर करने के लिए कितना टाइम लगा होगा, है ना. सो फाइनली दे आर्ग्यू गवर्नमेंट फंड
म्यूजियम्स गो दैट गवर्नमेंट्स फंड म्यूजियम फॉर द मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस. सो यहाँ पे आपको बचा खुचा आंसर देखने को मिल जाएगा. डू नॉट नीड टू लेवी एनी चार्जेस ऑन विजिटर्स. सॉरी, इट इज इंडीड ट्रू इन सम केसेस. हाउएवर इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज बिकॉज मेंटेनेंस ऑफ टिपिकल आर्टिफैक्ट्स मे बी अ टीडियस एंड एक्सपेंसिव जॉब which the government grant might not cover. To conclude, though the argument of making free entry to the museum appears attractive, it is not feasible for the authorities to implement this in reality. Hence, I opine that museum should charge a token fee for all the visitors. So, यहाँ पे guys काफी इसका जो answer है वो बड़ा था. सो देखिएगा सैंपल आंसर में आपको, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा. अ सेंचुरी अगो, ये 81 की आप देखिए, अ सेंचुरी अगो व्हेन मैन लैंडेड ऑन द मून मेनी पीपल थॉट दैट इट वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द मैनकाइंड. हाउएवर स्पेस ट्रेवल हैज मेड लिटिल डिफरेंस टू द पीपल्स लाइफ. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. अब देखिए जो स्पेस के रिलेटेड अब स्पेस ट्रेवल के आजकल आ रहे हैं, पिछले में भी आए थे, फरवरी में एग्जाम हुआ उसमें दो स्टेटमेंट आई थी, तो ये जरूर से ध्यान में रखिएगा, इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा. टेक्नोलॉजी लाइक कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स आर वाइडली इन यूज. राइटिंग लेटर्स विल नो लॉन्गर बी प्रैक्टिसाइज इन फ्यूचर. डू यू एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट. डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग लेटर्स. अब देखिए ये भी जो है काफी इम्पोर्टेंट है, जैन में पूछा गया और लास्ट जो 2022 के सेप्टेम्बर मंथ में भी ये जो है घुमा फिरा के पूछी गई थी, ठीक है ना. तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये स्टेटमेंट हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, या जिस दिन आप एग्जाम में सिट करें उस दिन आपको ये स्टेटमेंट देखने को मिल जाए. सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई होप कि ये जो स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई आप इस पे प्रिपरेशन करेंगे. अगर आपको सैंपल आंसर नहीं मिल रहा कमेंट कर दीजिए. अदरवाइज गाइज करना क्या आपने कि आप अपने गूगल पे सर्च मारिए या फिर आप जाके अपने कोचिंग जहां पे भी आप ले रहे हैं ज्वाइन करके आप उनसे पूछ सकते हैं. सो सिंपल सा मेथड है कि आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली इसका सैंपल आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.